मेरी प्यारी जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी प्यारी जो बहनें हैं, मेरी डॉटर्स हैं, सो कॉल्ड डॉटर्स, सो उनके लिए मैंने एक दो वीडियो बनाए थे उनके लिए. तो रिसेंटली पूना में एक बहुत बड़ी ऐसे डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे मैं मिला लास्ट वीक. हालांकि मैंने उनसे कहा कि आप मेरे आप एक इंटरव्यू दे दीजिए, सो शी रिफ्यूज. उनको थोड़ा सा कैमरे से डर लगता था. तो मैंने कहा कि सर, जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए थे, उसके आधार पे मैंने उनसे डिस्कशन किया कि मैम, मेरी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको एक तो हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, डार्क सर्कल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, देन ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ तो बहुत कॉमन है. मतलब मैं अपने CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि, या क्योंकि मैं CS को पढ़ाता हूँ, बट ये CA CS CMS तीनों स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि CS एग्जीक्यूटिव या CA इंटर या CMA इंटर या CS फाइनल CA फाइनल में आते आते ना वेट काफ़ी बढ़ जाता है. तो इसकी भी मैंने मतलब उनसे डिस्कस किया. फिर एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, फिर ये पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम से मैंने राधिका मैम से डिस्कस किया. और मैंने कहा कि मैम, कुछ तो बताइए कि मैं अपनी स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करूँ, कि कैसे मेरी स्टूडेंट्स यू नो मतलब अपना केयर बहुत अच्छे से कर सकें, उनकी उनके जो मतलब वो सी अपना CA CS CMA तो करें, और बहुत ज़्यादा मतलब उनके अपीयरेंस को, मतलब उनके उनकी वेलबींग को भी नुकसान ना हो. तो उन्होंने कहा कि दुष्यंत सर, आप ज़रूर एक वीडियो बनाइएगा, और तीन चार मैं आपको अच्छी टिप्स शेयर करती हूँ, जो आप प्लीज़ अपने स्टूडेंट से अपने वीडियो के माध्यम से शेयर कीजिएगा. सो बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो मैम ने मुझे कही, सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने कही, दैट इज़ जो मैंने अपने वीडियो में भी कवर किया था, लॉट्स ऑफ वाटर. हमेशा याद रखिए, जो बॉडी हाइड्रेटेड रहती है बच्चों, जो बॉडी जिस बॉडी में पानी सफिशेंट होता है, उस बॉडी में बेसिकली जो वाटर है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है. तो शी टोल्ड मी कि आप अपने स्टूडेंट से कहिए कि कम से कम 3 से 5 लीटर पानी, मिनिमम 3 लीटर, मैं और हायर साइड में 5.5 लीटर का पानी कंज्यूम करें, और स्पेशली जब वो पढ़ाई करती हैं तो दे शुड ऑलवेज हैव यू नो सिप ऑफ वाटर्स, मतलब थोड़ा सा पानी पिया फिर पढ़ने बैठ गए, 10 मिनट पर थोड़ा सा पानी पिया. इससे क्या होगा, उनकी स्किन को भी प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर जो भी ज़रूरत की रिक्वायरमेंट्स है वो भी मिलती रहेगी, और उनका पढ़ाई में मन लगा रहेगा. सो फर्स्ट थिंग इज लॉट्स ऑफ वाटर. सेकेंड शी रिकमेंडेड, उन्होंने दूसरी चीज़ कही कि मेडिटेशन, मेंटल वेलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में जो लड़कियां हैं बच्चों, लड़कों को यहाँ पे स्ट्रेस कम होता है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा, हमारे देश में जो लड़कियां हैं वो कई मोर्चों पे लड़ाई लड़ती हैं, ठीक है. आई बिलीव बहुत सारी बेटियाँ इस चीज़ से अग्री करेंगी, क्योंकि उनके हमारे इंडियन फैमिलीज़ में, आई डोंट नो सारी फैमिलीज़ नहीं है, बट 80% फैमिलीज़ में लड़कियों को क्लियरली कहा जाता है कि देख बेटा, अगर तूने इस बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो 2 साल में तेरी शादी. अब वो लड़की बेचारी इतनी टेंशन में रहती है, एक तो उसको पढ़ाई का टेंशन लगे, जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, दूसरा उनके मन में ये डर रहता है कि यार शिट, अगर मेरा ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो गया, घर वाले उठा के ज़बरदस्ती मेरी किसी अनजान आदमी से शादी कर देंगे. उसके चलते उनको स्ट्रेस बहुत होता है. तो दुष्यंत सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपनी हर स्टूडेंट को सजेस्ट कीजिए कि मेडिटेशन कंपलसरी है, ठीक है. सो दिस वॉज द सेकेंड टिप दैट शी गेव मी. थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, थर्ड इज सम फिजिकल एक्टिविटी. बेसिकली बच्चों, ओबेसिटी आपको पता है ना, स्ट्रेस से ओबेसिटी बढ़ती है. तो वंस यू डू मेडिटेशन तो आप ये ओबेसिटी पे कंट्रोल पा सकती हैं, स्ट्रेस पे कंट्रोल पा सकती हैं, इससे आपकी मोटापे पे भी कमी होगी, आपका बाल वगैरह झड़ता है, इस टेंशन बहुत बड़ा रीज़न है इसका. थर्ड थिंग जो सजेस्ट की उन्होंने, उन्होंने कहा कि आप अपने हर एक स्टूडेंट से बोलिए कि एक साइकिल खरीद लें, अगर उनके घर पर ऑलरेडी साइकिल है, और दे आर सपोज टू डू नथिंग, सुबह 20 मिनट बस उनको 3 किलोमीटर जाना है और 3 किलोमीटर वापस आना, सुबह शाम को बेसिकली उस टाइम पे जब ट्रैफिक कम होता है, तो उनको साइकिलिंग करनी है. साइकिलिंग इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि उनकी ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा रहेगा. और अगर वो साइकिलिंग नहीं कर सकती तो कम से कम घर पे 20 सूर्य नमस्कार, 20 सूर्य नमस्कार उनको करने, जो वो एकदम से नहीं कर पाएंगी तो वो एक से स्टार्ट करेंगी, 1 2 3 4 5. तो याद रखिए, फर्स्ट स्टेप लॉट्स ऑफ वाटर, सेकेंड मेडिटेशन, थर्ड इज यू नीड टू हैव फिजिकल एक्सरसाइज. बच्चों देखिए, हमेशा याद रखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट बच्चों हमारे लुक्स भी उतने ज़रूरी हैं. आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं सर, हम CA बन जाएंगे, CS बन जाएंगे, CMA बन जाएंगे, उसके बाद हमारा चेहरा मैटर नहीं करता, वो हमारा जो
पढ़ाई डिग्री की चमक है वो हमारे चेहरे पे ऑलरेडी आ जाएगी। बच्चों मैं थोड़ा सा इस मामले में ना थोड़ा सा ऑपोजिट ओपिनियन शेयर, मतलब थोड़ा सा मैं माफ़ी मांगते हुए मैं थोड़ा सा अलग ओपिनियन शेयर करता हूँ। बच्चों देखिए हर एक चीज़ की ना वैल्यू होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको बेटियाँ याद रखनी चाहिए कि हमारी हमारी बॉडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और क्या लगता है आपको जॉब क्या सीए क्लियर करने के बाद, सीएस क्लियर करने के बाद आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बेटा, आपको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। और क्या है बच्चों, 20-25 मिनट अगर आपने अपनी बॉडी के लिए दिए तो क्या है, नींद उतनी कम कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम कहीं पे और रिड्यूस कर दीजिए, मोबाइल पे थोड़ा सा टाइम बचा लीजिए। बट बच्चों आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, बच्चों बहुत ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि एक बार वो ओबेसिटी ऐसी चीज़ है ना बेटा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज मेरा वेट है 73 kg, बट आप मेरी पुरानी फेसबुक पे फोटोज़ देखिए कभी अगर आपको मौका मिले, टाइम मिले, आई यूज़ टू वे 88 kg। और मैं भी यही सोचता था कि जब सीएस बन जाऊंगा तो कंट्रोल करूंगा। नहीं बच्चों, सीएस बनने के बाद बहुत सारा पैसा आना शुरू हो गया, पैसा आना शुरू हो गया तो बाहर खाना शुरू हो गया, बाहर खाना शुरू हो गया तो वेट बढ़ना शुरू हो गया। हम लोग जब रिलायंस में जॉब करते थे सोडेक्सो के कूपन मिलते थे 5,000 रुपये के, वो 5,000 रुपये के कूपन हम इतना खाते थे क्योंकि पिज्ज़ा हट, डोमिनोज और मुंबई में आपको पता ही है वो चौपाटी, मतलब आप सोचेंगे नहीं इतना खाते थे। अचानक से पैसा आ गया, फिर जब कंपनी में जॉब किया तो हमारा कंपनी में खाना फ्री था, लाइक यू नो 6 बजे के बाद हम ऑफिस में रुकते थे तो एवरीथिंग वॉज फॉर फ्री, लंच हमारा फ्री था। तो नहीं होता बच्चों, नहीं होता, काम का प्रेशर होता है, स्ट्रेस वहाँ पे भी होता है। तो इसलिए आज अगर आपने अच्छी आदत डाली ना, सो ये आदत आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, अपने डाइट में आपको प्रोटीन को इंक्लूड करना है। आपके जो बाल हैं, आपकी जो स्किन है, आपकी जो आईसाइट है, ओवरऑल आपकी बॉडी में जो मसल आने चाहिए, बच्चों हमेशा याद रखिए आप बेटियां, आपको बहुत सारा प्रोटीन अपनी बॉडी में इंक्लूड करना है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? सो व्हाट फूड्स यू कैन हैव टू यू नो टू गेट प्रोटीन? सोयाबीन आप खा सकते हैं, 10 रुपए का सोयाबीन आता है, रुचि सोया का सोयाबीन आता है, यू कैन हैव एक पाउच अगर दिन में खा लिया ना तो आपको आई बिलीव 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। जो मेरी वेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं वो तो बेचारी बहुत ही, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सोयाबीन आपको खाना है। जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो नॉन वेज चलता है, आप एग खाइए, दिन के 3 एग खाइए या 2 एग खाइए, और 3 एग खाती हैं तो एक एग में येलो वाला पोर्शन हटा दीजिए। ऐसे आप प्रोटीन कंज्यूम कीजिए, थोड़ा बहुत पनीर अगर आप इंक्लूड कर सकें, टोफू इंक्लूड कर सकें, जो दूध पीते हैं उसके बदले सोया मिल्क पी सकें। बच्चों बेटिया आपको कम से कम कोशिश कीजिए कि दिन में आप 25 से 30 ग्राम का प्रोटीन आप लें, क्योंकि जो वेजिटेरियन स्टूडेंट हैं उनको उतना भी प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है। और पांचवी चीज़ मैं आपको, जो उन्होंने राधिका मैम ने बताई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो और पंचायती मत करो, ठीक है। मतलब जितना आप कम बात करेंगे आप उतना सुखी रहेंगे, और अगर आपको बातें करनी है तो उन्हीं लोगों से बातें कीजिए जो आपके साथ शादी की बातें ना करें। और कोशिश कीजिए कि आप ना अपने आप को ये दुनिया भर के ये जो लड़के वड़कों वाला चकल्ला सही है, जो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचा के रखेंगी तो स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं उनमें से मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स में ही होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में खुपचे में बैठ के, किनारे बैठ के, कोने में बैठ के रोती रहती है। 2 दिन अच्छा हो रहेगा, 3 दिन वो झगड़ा हो गया तो फिर खराब रहेगा। तो पांचवी टिप सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जिन लोगों से बात करते हैं उनको ख्याल रखिए। मतलब और अगर आपके घर पर भी शादी वादी का प्रेशर आता है, इस कान सुनने का, इस कान निकालने का, अपनी प्रायोरिटीज़ आप सेट कीजिए बेटा, तो देखिए आपको लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आएगा। सो आई बिलीव ये 5 टिप्स जो हैं ये बहुत अच्छी टिप्स हैं। सो एंड ये टिप्स हमको बताई हैं हमारी राधिका राधिका मैम ने, तो हम उनको थैंकफुल रहेंगे। और बच्चों अगर आप राधिका मैम से बात करना चाहेंगी तो मैं आपके साथ उनका पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।